हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम सिटी स्लिप कहाँ से सर डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी अपनी एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड करने में। देखिए, एग्ज़ाम स्लिप में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में, कौन से शहर में होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत ही दूर पड़ा है तो आप एनटी को मेल कर सकते हो उससे पहले, ठीक है। यानी कि जब आप सिटी स्लिप देखेंगे तो आपको पता तो चलेगा ही कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर पड़ा है। तो अगर बहुत दूर है तो आप एनटी से बात कर सकते हैं मेल करके, अपना सेंटर जो है वो नज़दीक यहाँ पर करवा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे किसी भी सिंगल स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादातर को पता हो कि कैसे डाउनलोड होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो उनको मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है, ताकि जो है उनको भी यहाँ पर थोड़ी सुविधा हो। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र होता है, उसको आप ओपन करके उसमें गूगल खोल लेना, और गूगल में आप सर्च करना CUET UG 2024। जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको पहला जो वेबसाइट है वो दिखेगा। यहाँ पर देखिए, पहला जो वेबसाइट है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET UG इंडिया ऑल ये एनटीए एग्ज़ाम, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे पड़ रहा है कि क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, यानी कि आप यहाँ से क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक जो है यहाँ पर कॉलम दिखाई देगा, पहले इस पर क्लिक करना आपको, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड दर्ज करना है, और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है इसको इस वाले कॉलम में यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो जब ये तीनों चीज़ें आप फिल कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन जो बटन है वो दिखाई दे पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि पासवर्ड उसको याद नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जो है डेट ऑफ बर्थ का DOB का एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जहाँ पर आपका यहाँ पर पासवर्ड का है ना, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करके और फिर लॉगिन करेंगे, तो फिर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहाँ पर एक कॉलम जो है इस तरीके से बना रहेगा, ठीक है, सिटी स्लिप का। यहाँ पर सिटी स्लिप जो है उसमें लिखा हुआ रहेगा, तो आप जो है डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपना जो सिटी स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हो गाइस। जी हाँ, आप अपना जो सिटी स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। आज जो है आपका 4 मई हो चुका है, और आपका जो सिटी स्लिप है वो 5 मई को यहाँ पर जारी किया जाएगा बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो आपका मोस्टली जो सब्जेक्ट है उनका ऑफलाइन एग्ज़ाम यहाँ पर हो रहा है, और किसका ऑनलाइन है किसका ऑफलाइन है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है यहाँ से इस PDF के थ्रू देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने आपको अभी और एक बार फिर से बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही।